असल एवं दिस इज गाइटन चैप्टर नंबर 64 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है रिगार्डिंग डेफिकेशन रिफ्लेक्स अच्छा तो बिफोर स्टडिंग डेफिकेशन रिफ्लेक्स तीन तरह के स्फिंक्टर्स हमने पढ़ने हैं नंबर वन इज वीक फंक्शनल स्फिंक्टर देन वी हैव इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड देन वी हैव एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तो लेट्स स्टार्ट विद वीक फंक्शनल स्फिंक्टर अच्छा वीक फंक्शनल स्फिंक्टर क्या होता है वीक से फंक्शनल स्फिंक्टर ये होता है कि ये जो लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज uh, इंटेस्टाइन होता है गट होता है दैट इज सिग्मोइड कोलोन और उसके बाद आ जाती है हमारे पास रेक्टम तो रेक्टम यहां से शुरू हो रही है इस पॉइंट पे सिग्मोइड कोलोन खत्म हो रही है और इस पॉइंट से ये रेक्टम शुरू हो रही है एंड देन वी है यहां तक चलती है रेक्टम ठीक है तो सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम के बीच में आपने गौर करना है कि देर इज अ शार्प एंगुलेशन यानी कि यूं सिग्मोइड कोलोन मूव करिए वो यूं सीधी नहीं जाएगी बल्कि वो यूं जाके एकदम से यूं नीचे की तरफ मूव कर देती है तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एक शार्प एंगुलेशन है बिटवीन सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम तो ये जो शार्प एंगुलेशन है ये दिस विल एक्ट एज वीक फंक्शनल फंक्शनल्टर ठीक है द शार्प एंगुलेशन एट जंक्शन बिटवीन सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम इज इट एक्ट वीक फंक्शनल स्फिंक्टर अब ये जो वीक फंक्शनल स्फिंक्टर है ये exactly होता है अगर हम with reference to NS देखें तो, तो, तो यहाँ से ट्वेंटी सेंटीमीटर अब यहाँ पे जाके ये वीक फंक्शनल स्फिंक्टर होता है अच्छा अब इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहां कहाँ पे है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहां कहाँ पे है? तो ये जो अंदर वाली साइड पे है ये और ये ये इंटरनल एनल सेंटर है और ये जो बाहर वाली साइड पे है ये है एक्सटर्नल एनल सेंटर और ये दोनों राउंड है यानी कि एक्सटर्नल एनल पूरा राउंड कवर करता है इंटरनल एनल फिंग को अगली डायग्राम में ज्यादा ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो इंटरनल एनल सेंटर तो इंटरनल एनल सेंटर ये है ब्लू कलर में ये इंटरनल एनल सेंटर है ये इंटरनल एनल है और ये रेक्टम था और ये इसके बाहर ये ग्रीन कलर में एक्सटर्नल एनल सेंटर है तो अब इंटरनल एनल फिंगर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि बेसिकली इट इज लोकेटेड इमीडिएटली इनसाइड द एनस तो ये एनस है तो उसके इमीडिएटली इनसाइड द एनस ये ब्लू कलर में इंटरनल एनल स्फिंक्टर है ठीक है और ये इट इज सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग देखिए तो ये काफी लंबा सेंटीमीटर लॉन्ग इट इज सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग और दिस इज बेसिकली अ थिकनिंग ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स हैं भाई ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज बेसिकली अ सर्कुलर

इट एक्सटेंड्स डिस्टल टू इट इससे थोड़ा सा आगे की तरफ आता है डिस्टल टू इट होता है ठीक है अच्छा अब मेन पॉइंट जो है याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट पूरी स्लाइड का वो है कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का बेसिकली वोलंट्री कंट्रोल होता है ये एक वोलंट्री मसल है दिस इज नॉट अ स्मूथ मसल दिस इज स्ट्राइटेड वोलंट्री मसल जब ये वोलंट्री मसल है तो ये किसी वोलंट्री मोटर नर्व नर्व से कंट्रोल होगा इज बेसिकली ठीक है और इसका कंट्रोल कॉन्शियस होता है और एटलीस्ट सब कॉन्शियस कंट्रोल इसका चल रहा होता है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या कर एक तो ये एक्सटर्नल इनल फिंटर इंटरनल एनल फिंटर की बाहर वाली साइड पे होता है और थोड़ा सा डिस्टल डिस्टल होता है इसे दूसरी इसका वॉलंटरी कंट्रोल होता है वॉलंटरी कंट्रोल होता है तो कौन सी नर्व नर्वंटली से कंट्रोल करती है दैट इज पोडेंडल नर्व

ठीक है जी आगे मूव करते हैं प्रॉपर डेफिकेशन रिफ्लेक्स पे और उसके स्टेप्स पे तो पहला स्टेप जो है वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स का वो ये, है कि बेसिकली, एंटर रेक्टम. ये जो पीछे रेक्टम थी, यहां पे, तो जब रेक्टम के अंदर एंटर हो गए तो फिर क्या होगा तो हो और जैसे ही रेक्टल वॉल की डिस्टेंशन होगी तो वो फिर तीन तरह के काम करेगा वन टू डिस्कस दी सबसे पहले ये क्या करेगा एक्टिवेट करेगा इंटरेंट माइंटेरिकेफिकेशन रिफ्लेक्स में भी इंटर जो माइंटेरिकर्वस सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको एक्टिवेशन ऑफ इंटरसिक माइंडेरिकेफिकेशन रिफ्लेक्स अब इसके अंदर ये होता है कि जो एफरेंट सिग्नल है डिस्टेंशन से रेक्टल वॉल की डिस्टेंशन से एक सिग्नल जाएगा रेक्टल वॉल के अपने ही प्लेक्सिस को और वो प्लेक्सिस पेरिस्टॉल्टिक वेव्स को जनरेट कर देगा मगर जो माइंटेरिक प्लेक्सिस के खाली स्टिमुलेशन uh, से जो पेरिस्टोल्टिक वेव जनरेट होती हैं वो हमेशा होती हैं वीक तो ये प्लेक्सिस अपनी एक्टिवेशन से वीक जनरेट करेगा और ये वेव्स कहाँ पे जनरेट होंगी ये पूरे जैसे रेक्टम में नहीं जनरेट होंगी रेक्टम से पीछे सिग्मोइड में भी जनरेट होंगी और उससे पीछे जो पूरी डिसेंडिंग कोलोन है उसके अंदर जनरेट होंगी तो देर इज एन इनिशिएशन ऑफ वीक वेव्स इन द डिसेंडिंग कोलोन सिग्मोइड एंड

ठीक है और सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड फिर इफरेंट नर्व इम्पल्स भेजता है थ्रू इफरेंट पैरासिपथेटिक नर्व फाइबर्स जो कि बेसिकली अ पार्ट ऑफ होते हैं पेल्विक नर्व्स तो एफरेंट इम्पल्स गई रेक्टल वॉल से टुवर्ड्स सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से फिर इम्पल्स गई इफरेंट इम्पल्स गई थ्रू पैरासिम्पथेटिक नर्व्स व्हिच आर बेसिकली पार्ट ऑफ

ये जनाब स्पाइनल कॉर्ड से होके आया जनाब पेल्विक नाव से ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पेरिस्टोल्टिक रिफ्लेक्स जनरेट हो गया अब ये तो दो हो गए अब इसके साथ इन दोनों को सपोर्ट चाहिए बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स तो वो सपोर्ट मिलेगी अब ये ही डिस्टेंशन होती है तो वो एफरेंट जो स्पाइनल कॉर्ड को गई थी वही सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो उसी तरह वो सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ने ये जो स्ट्रॉन्ग नर्व जनरेट करी थी उसी तरह सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा एबडोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा और जब भी एबडोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करनी होती है तो आपको पता है कि डीप ब्रेथ लेते हैं फिर ग्लॉटिस को क्लोज करते हैं और फिर एबडोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करते हैं जब भी हमने कोई भी एबडोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवानी होती है तो जी स्पाइन सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड इंपल्स भेजेगा

ठीक ओके अब जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो क्या होगा ये तमाम चीजें विल फोर्स द कंटेंट फ्रॉम डिसेंडिंग क्लोन सिगमेंट क्लोन इन टू द रेक्टम एंड टूवर्ड्स द इनस ठीक है और जब इनस के बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो सारा माइंड डायरेक्ट रिफ्लेक्स था ये इनहिबिटरी इंपल्स भेज देता है इंटरनल इनल इनल फिंग्टर को कि भाई रिलैक्स हो जाओ

इनहिबिशन uh, की कमांड देती है तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉन्शियसली वॉलंटैरिली जब रिलैक्स करता है तो डेफिकेशन वेल आकर तो ये प्रोसेस था सिंपल जो कि स्टार्ट हुआ डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम से जिसने इंट्रिंसिकली माइंड इंटरिक प्रैक्टिस को एक्टिवेट करके वीक पेरिस्टालसिस कराई

अच्छा जी ये तो सारी अब इसकी तस्वीर होगी जी ये देखें आप तो एफरेंट नर्व फाइबर ये रेक्टम जब डिस्टेंड हुआ था तो ये एफरेंट इंपल्स गई सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को और फिर सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ने पैरासिंपथेटिक नर्व पेल्विक नर्व ये यह पेल्विक नर्व जा रही है उससे हर तरफ यहां भी डिसेंडिंग कोलोन को भी सिगमेंट कोलोन को भी और ये देखें यह रेक्टम को भी इंपल्स भेजी कि भाई चलो एन एस की तरफ पुश करो सारे कंटेंट को और उधर से स्केलेटल स्केटल नर्व जो कि प्रोनडलग्र था रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब ये तो एक सारा नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस था जिसे बाद में अब डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन ने सपोर्ट किया था मगर क्या अगर नेचुरली डेफिकेशन अगर ना हो क्या सिर्फ एबडोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से डेफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है तो यस अगर खाली एबडोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो डेफिनेटली जब एबडोमिनल मसल्स धीरे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डिसेंडिंग कोलोन में पहुंच जाएगा कोलोन में पहुंच जाएगा रेक्टम में पहुंच जाएगा और ऑटोमेटिकली जब सारा विकल मैटर टुवर्ड्स रेक्टम और एनल ओपनिंग मूव करेगा तो हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स को इस तरह भी एक्टिवेट किया जा सकता है ठीक है, मगर खाली एबडोमल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है वो कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि नेचुरल डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है नेचुरल डेफिकेशन रिफ्लेक्स में क्या हुआ था कि पहले इनकी ऑटोमेटिक मूवमेंट हुई थी और उसको सपोर्ट किया था एबडोम मसल्स ने एबडोमिनल मसल्स ने कहानी शुरू नहीं की थी अगर ये नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं आ आ आया या किसी भी वक्त एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रैक्ट करके ये रिफ्लेक्स स्टार्ट कर दिया जाए तो डेफिकेशन तो हो जाएगी मगर होगा क्या अगर बार बार इसी तरह ही करें कि एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रेक्शन से आ, ये रिफ्लेक्स को स्टार्ट किया जाए तो फिर नेचुरल रिफ्लेक्स होना ही बंद हो जाता है एंड इन दैट केस जो फाइनल नेचुरल रिफ्लेक्स की एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है एंड पर्सन

तो जब लैक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ फिंक्टर्स होता है तो फिर इन दैट केस डेफिकेशन ऑफ़ लोअर बाउल एट द डे मिसाल के तौर पे अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का कॉन्शियस कंट्रोल ना हो सके फॉर इंस्टेंस जिस के बच्चों में डेवलप नहीं करता या फिर सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजेक्शन है कोई मसला कॉर्ड तो फिर

तीन और बड़े जबरदस्त किस्म के रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में एंड पे लिखे हुए गाइड में मगर इनका आना जरूरी है ये अक्सर इस तरह का जो आखिरी पैराग्राफ होता है ना उसमें सवाल जरूर पेपर में बनाए थे अच्छा ये तीनों बिल्कुल सिमिलर है वन इज पेरिटोनियो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स अदर इज रीनो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंड अदर वन इज वेजाइको पेरिटोनियो इंटेस्टाइनल का मतलब है कि अगर पेरिटोनियम से कोई रिफ्लेक्स जा रहा है कि पेरिटोनियम का कोई मसला है

या किडनी की इरिटेशन इन्फ्लेमेशन हो या वेजाइको यानी कि ब्लैडर की इरिटेशन इन्फ्लेमेशन हो इन तमाम केसेस में यानी कि इंटेस्टाइन रेक्टम सिगमोइडकुल इनके आसपास ये जो ऑर्गन है ना किडनी ब्लैडर पेरिटोनियम इनकी जब भी इरिटेशन होती है या इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये ये पार्ट स्ट्रॉन्ग इनहिबिटरी इम्पल्स भेजते हैं टू तो एंटैरक्ट नर्वस सिस्टम

कि किडनी की इरिटेशन हुई और उसने इंटेस्टाइन की इनहिबिशन करा दी मोटर एक्टिविटी क्या है जी ब्लैडर की इरिटेशन हुई और उसकी वजह से देर इज इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टाइनल एक्टिविटी तो इर्गिर्द वाले पार्ट की जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को बंद करवा देगा ठीक हो गया है जी बाय दिस वी हैव एंडेड दिस चैप्टर बड़ा लंबा चैप्टर हो गया बहुत देर सारे पार्ट हो गए बट होपुली आप लोगों को समझ आ गया होगा सी यू इन नेक्स्ट पार्ट बल्कि नेक्स्ट पार्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट चैप्टर ओके